नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय में देखिए गुणा करना, जिसे गुणन कहते हैं, मल्टीप्लाई, और गुणा की क्रिया को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, गुणनफल को प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में आप तीन अंकों में एक अंक से गुणा किस प्रकार से किया जाता है, तो आइए हम देखते हैं कि तीन अंकों में एक अंक से गुणा किस तरह से करना है और उसका उत्तर हमें किस तरह से लिखना होता है। तो हमें पहाड़े का ज्ञान होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत देखिए 844 में 5 से गुणा करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा तीन अंक है और तीन अंक में एक अंक से गुणा करना है। तो 5 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौका 20 होता है। तो 20 का इकाई अंक 0 हम यहाँ लिखेंगे और इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ हासिल लगाएंगे। 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौका 20, अब 20 में 2 को जोड़ देते हैं 22 हो जाता है। 22 का इकाई अंक 2 हम यहाँ लिखेंगे, दहाई अंक को यहाँ हासिल लगाएंगे। 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40, 40 में 2 को जोड़ देते हैं हासिल 40, 2 42 हो गया। ये देखिए हो गया 4220 हो जा रहा है, अर्थात 844 में 5 से गुणा करने पर 4220 उत्तर आता है। इसी तरह से हम दूसरा सवाल इसमें देखते हैं, तीन अंकों में एक अंक से गुणन के अंतर्गत सवाल हम लेते हैं, 509 है ये। 509 में 3 से गुणा हमें करना है, तो 3 से गुणा इस तरह से हमने लिख दिया ये गुणन यहाँ। अब 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 3 नवा 27 होता है, 27 का 7 हम यहाँ लिखेंगे, 2 हासिल लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 3 सुन्ना 0 होता है और 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पच्चे 15 हो गया। इस तरह से देखिए इसका उत्तर यहाँ आ गया 1527, अर्थात 509 में 3 से गुणा करने पर 1527 उत्तर आता है। अब हम तीसरा सवाल इसी में देखते हैं, 467 हम ले रहे हैं यहाँ, 467 है, 467 में 9 से हम गुणा कर रहे हैं। देखिए 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63, 63 के 3 हो गया, हासिल यहाँ पर 6 लगेगा। अब 9 का पहाड़ा 6 बार, 9 6 54 होता है और 54 में 6 को जोड़ेंगे, 54 6 60 हो गया। 60 का इकाई अंक 0 यहाँ लिखेंगे और दहाई अंक 6 को हासिल लगा देंगे। 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 9 चौका 36 हो गया, 36 में 6 जोड़ेंगे 42 हो जा रहा है, 42 को पूरा हमने यहाँ लिख दिया और इसका उत्तर आ गया 4203, अर्थात 467 में 9 से गुणा करने पर 4203 उत्तर आता है। तो इस तरह से तीन अंकों में एक अंकों से गुणा किया जाता है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, ये तो देखा हमने, अब दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं, चौथा उदाहरण देखते हैं हम, और इसको हम बड़े रूप में लिखते हैं। चौथा उदाहरण है देखिए, 345 है, 345 से हमने लिख दिया, 345 में 7 से गुणा करना है, इस तरह से गुणा का निशान लगा दिया। अब 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 7 पच्चे
35 हो रहा है, 35 के 5 लिखेंगे, हासिल ए 3 लगा देंगे। अब 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ दिया 31 हो गया, 31 का इकाई अंक 1 और दहाई अंक 3 को हासिल लगा दिया। 7 का पहाड़ा 3 बार 7 त्रिक 21, 21 में 3 जोड़ दिया हम, यहाँ 24 हो जा रहा है। अब देखिए इसका उत्तर आ गया 2415। 345 में 7 से गुणा करने पर 2415 उत्तर आ रहा है। और अगला सवाल और हम देखते हैं, एक सवाल क्रमांक 5 हम देखते हैं कि किस तरह से लगेगा। और ये सवाल देखिए 323 हम ले रहे हैं, यहाँ ये है 323 में 3 से गुणा करना है, 323 में 3 से गुणा। देखिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें, 3 त्रिका 9 हो गया, यहाँ हासिल नहीं लगाना है। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें, 3 दूनी 6 हो गया, 3 का पहाड़ा 3 बार, फिर 3 त्रिका 9 हो गया, 969 उत्तर आ रहा है। देखिए 323 में 3 से गुणा करने पर 969 उत्तर आ जा रहा है। इस तरह से हमें 3 अंकों की सवाल को क्या करना होता है, हल करना होता है। अब आगे हम देखते हैं पांचवा उदाहरण के बाद हम छठा उदाहरण देखते हैं किस तरह से सवाल को लगाना है। एक सवाल और हम लेते हैं, 129 में हम 8 से गुणा करते हैं। देखिए 129 में, देखिए 129 में 8 का गुणा करने पर किस तरह से उत्तर आता है। 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 8 9 72 होता है, तो 72 का इकाई अंक 2 हमने लिखा, दहाई अंक 7 को यहाँ हासिल लगा दिया। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16 होता है, और 16 में 7 जोड़ देंगे 23 होता है, 23 का इकाई अंक 3, दहाई अंक 2 को हासिल लगा दिया। 8 एकम 8, 8 2 10 हो गया, उत्तर आ गया देखिए 1032। अर्थात 129 में 8 से गुणा करने पर 1032 उत्तर आता है। और अगला उदाहरण, एक उदाहरण और हम देखते हैं, सातवां सवाल हम उदाहरण देखते हैं, 304 का लेखन हमने किया। ये 304 में हम 5 से गुणा करते हैं, 3 अंकों में 1 अंक से गुणा। देखिए इस तरह से लिख दिया हमने, 304 में 5 से गुणा करना है। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौक का 20, और 20 का इकाई अंक 0 यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ हासिल लगाना है। अब ये 5 का गुणा 0 बार करेंगे, 5 सुन्ना 0 हो गया, और 0 में 2 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, 5 तिहाई 15 हो गया, 15 का हमने लेखन यहाँ कर लिया, ये उत्तर आ गया 1520। 304 में 5 से गुणा करने पर 1520 उत्तर आता है। एक उदाहरण और हम देखते हैं, आठवां उदाहरण देखिए बच्चों, 495 है ये, देखिए 495 में 3 से गुणा करने पर कितना उत्तर आता है। देखिए 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पच्चे 15 हो गया, 15 का इकाई अंक 5 और दहाई अंक 1 को हासिल लगा दिए। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 3 नवा 27 हो गया, 27 में 1 जोड़ देंगे 28, 28 का इकाई अंक 8 और दहाई अंक 2 जो है यहाँ हासिल हो गया। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12, 12 में 2 जोड़ेंगे ये 14 हो जा रहा है, और उत्तर आ गया देखिए 1485, अर्थात 4495, 3 से गुणा करने पर 1485 उत्तर आता है। तो इस तरह से 3 अंकों में
एक अंकों से गुणा किया जाता है। और उदाहरण हम देखते हैं थोड़ा इसके अंतर्गत, एक उदाहरण और लेते हैं बच्चों। 7-8 उदाहरण देखा हम, नौवां उदाहरण देखिए हम लेते हैं। नौवां सवाल लेते हैं, इसके अंतर्गत 325 का हमने लेखन किया यहाँ। 325 में 9 से गुणा करने पर देखिए कितना उत्तर आता है। 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 9 पच्चे 45 हो गया, 45 का 5 और दहाई अंक 4 को हासिल लगा दिया। 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ दिए 22 आ गया, 22 का इकाई अंक 2 और दहाई अंक 2 को हासिल लगा दिया हमने। 9 त्रिक 27 हो गया, अब 27 में 2 जोड़ने पर 29 हो जा रहा है, उत्तर आ गया 2925, अर्थात 325 में 9 से गुणा करने पर 2925 उत्तर आ रहा है। 10वां उदाहरण और हम देखते हैं, 695 है, यदि 695 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना उत्तर आता है देखिए। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 हो गया, 10 का इकाई अंक 0, दहाई अंक 1 को हासिल लगा दिया। 2 का पहाड़ा 9 बार, 2 नवा 18, 18 1 19 हो गया, 19 का इकाई अंक 9 और दहाई अंक 1 हासिल लगा दिया हमने। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे यहाँ, 2 छेंग 12, 12 में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा ये, और 13 को वैसे लिख देंगे, उत्तर आ गया 1390। 695 में 2 से गुणा करने पर 1390 उत्तर आ रहा है। और एक अगला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 364, और 364 में 8 का गुणा करने पर देखिए कितना उत्तर आता है। 3 अंक में 1 अंक का गुणा करना है, 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौक 32 होगा, अब 32 का इकाई अंक 2 है, दहाई अंक यहाँ हासिल लगाएंगे, ये नहीं हमें भूलना है, इकाई अंक को लिख करके दहाई अंक को हासिल देना है अगली संख्या को दहाई में। अब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 8 45 होता है, 8 छः 48 होता है, तो 48 में 3 जोड़ दे रहे हैं, 51 आ गया, 51 का इकाई अंक 1 और दहाई अंक जो 5 है यहाँ हासिल लगा दिया हमने। अब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 8 त्रिक 24 होता है, 24 में जब 5 जोड़ेंगे 29 हो जा रहा है, तो 29 को 29 ही यहाँ पूरा लिख देंगे और उत्तर आ गया देखिए 2912, अर्थात 364 में 8 से गुणा करने पर 2912 उत्तर आता है। एक उदाहरण और हम देखते हैं यहीं बगल में ही, 12वां उदाहरण देखिए बच्चों। 12वां उदाहरण लेते हैं, छोटी सी 3 अंकों की संख्या 403 हम लिखते हैं। अब 403 में 8 से गुणा यदि करते हैं तो देखिए कितना उत्तर आता है। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 8 त्रिक 24, 24 के 4 हासिल 2 होगा। अब ये 8 का पहाड़ा जो है 0 बार पढ़ने पे 8 सुन्ना 0 होता है, और ये 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 0 में 2 का जोड़ किए 2 ही आएगा। अब 8 चौक 32 होता है, 32 को 32 यहाँ लिख देंगे, इस तरह से देखिए इसका उत्तर आ गया 3224। 403 में 8 से गुणा करने पर 3224 उत्तर आता है। उदाहरण क्रमांक 13 हम देखते हैं, देखिए 372 है, ये 372 3 अंक है, इसमें 1 अंक से गुणा करने पर देखिए कितना उत्तर आता है। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 हो गया ये। अब 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 4 सते 28 हो गया, 28 के 8 लिखेंगे, हासिल यहाँ 2 लगाएंगे। 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तियाई 12, 12 में 2 जोड़ देंगे 14 हो गया, ये देखिए
1488 उत्तर आ गया। 372 में 4 से गुणा करने पर 1488 उत्तर आता है। और एक उदाहरण हम देखते हैं बच्चों, किस तरह से 3 अंकों में 1 अंकों से गुणा किया जाता है तो उत्तर किस तरह से होता है। और यह उदाहरण क्रमांक 14 है, 980 हम यहाँ लिखते हैं। यदि 980 में 5 का गुणा करना है, अर्थात 980 5 बार हमें जोड़ना है तो भी हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम पहाड़े का उपयोग कर रहे हैं, 5 सुन्ना 0 हो गया, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40 होता है, 40 का इकाई अंक 0 और दहाई अंक 4 को यहाँ हासिल लगा देंगे। अब 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 5 नवा 45, 45 में 4 जोड़ देंगे, 49 आ रहा है, उत्तर आ गया 4900। 980 में 5 से गुणा करने पर 4900 उत्तर आता है। और अंतिम एक उदाहरण और देखते हैं हम, उदाहरण सवाल है, देखिए 3 अंकों का 461 संख्या में 8 से यदि गुणा करते हैं तो कितना उत्तर आता है, देखिए ध्यान से इसे। तो 461 में 8 से हम गुणा करना है हमें, और ये 3 अंकों में 1 अंकों से किस तरह से गुणा करने पर उत्तर आता है यही हमें यहाँ लगाना है। तो 8 का एक बार गुणा किए, 8 एकम 8 आ गया, 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 8 छंग 48 हो गया। अब 48 के 8 लिखेंगे और दहाई अंक जो 4 है यहाँ हासिल लगाएंगे, 8 का गुणा 4 बार करेंगे, 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ेंगे ये 36 हो जाएगा। और उत्तर देखिए आ गया 3688, अर्थात 461 में 8 से गुणा करने पर 3688 उत्तर आता है। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप 3 अंक की संख्याओं में 1 अंक से किस तरह से गुणा किया जाता है और कैसे इकाई अंक को लिख करके दहाई अंक को हासिल दिया जाता है और उस अगली संख्या को गुणन करने पर हासिल को उसमें जोड़ा जाता है, जोड़ करके कैसे लिखा जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप 3 अंक की संख्या में 1 अंक की संख्या से गुणा करना, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।